मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जुड़ी नेता सुभाषनी अली ने रामपुर में कहा कि फसल बीमा योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका मकसद बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाना है। माकपा पॉलिट ब्यूरो सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से जुड़ी नेता सुभाषनी अली ने बताया कि फसल बीमा योजना देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका मकसद बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाना था। हिमाचल में जापान की बीमा कंपनी सरकार का 28 करोड़ लेकर फरार हो गई है। किसान अपने फसल के नुकसान की बीमा राशि लेना चाहे तो मुश्किल हो गया है। सुभाषनी अली ने कहा, हिमाचल में ओले से फसलों का अधिक नुकसान होता है, लेकिन इस नुकसान को बीमा के अंदर नहीं लिया गया। सुभाषनी अली ने रामपुर में पत्रकार वार्ता में बताया, देश में पिछले 5 वर्षों में किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। बैंकों को खोखला कर बड़े कर्जदार विदेश भाग गए हैं। छोटे कर्जदार किसानों पर दबाव बनाकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया, पिछले लोकसभा में 8 सांसदों के मुकाबले इस बार माकपा लोकसभा में 2 अंकों में पहुंचेगी। हिमाचल में भी लाल झंडा दूर दर्ज तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक थाली के चट्टे बटे हैं। दोनों ही दल प्रत्याशियों का आदान प्रदान करती हैं। एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई। हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर भाजपा और कांग्रेस इधर उधर स्थान चयन के नाम पर फुटबॉल का खेल खेल रही है। उन्होंने रामपुर के समीप चाटी नामक स्थान में पार्टी कार्यालय में जहां माकपा मंडी हलके के प्रत्याशी सोए हुए थे, पत्थरबाजी करने की घटना को संघ की हरकत बताया है। उन्होंने कहा, हुड़ंग मचाने वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ऐसे नारे कौन लगाता है, जनता जानती है। इस दौरान उनके साथ माकपा के हिमाचल सचिव डॉक्टर ओमकार शायद, रामपुर चुनाव प्रभारी बिहारी सेवगी, बलवीर पराशर, तुलाराम, राजेंद्र दिनेश आदि उपस्थित थे। पार्टियां हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के जुड़वा हैं, कोई इनमें अंतर नहीं है। और अब तो ये एक दूसरे से कैंडिडेट का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। इनकी नीतियां एक जैसी हैं, इनके कैंडिडेट भी एक जैसे हैं। ये एक दूसरे के विकल्प नहीं, पूरक हैं। तो ये हिमाचल के लोग अब विकल्प ढूंढ रहे हैं। लाल झंडा उनको दिखाई दे रहा है, उनको आकर्षित भी कर रहा है। तो ये आगे का बड़ा संकेत है कि यहाँ राजनीतिक परिवर्तन होगा। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।